वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। इस वीडियो के एंड में नवांकुर चौधरी यानी हमारे यात्री डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया में $10 के अंदर उन्होंने कितनी शॉपिंग की थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल धक्के अनुज जर्नी पर। आज की सीरीज में हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, और नॉर्थ कोरिया की अगली सीरीज, इस सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं नॉर्थ कोरिया की करेंसी के बारे में कि नॉर्थ कोरिया की करेंसी और इंडियन करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है, वहाँ की करेंसी की क्या वैल्यू है, और इंडियन करेंसी और नॉर्थ कोरिया की करेंसी का क्या कंपेरिजन है। तो आइए देखते हैं, और इसके लिए हम हेल्प लेंगे हमारे गूगल बाबा की। तो आइए शुरू करते हैं नॉर्थ कोरिया करेंसी एंड कंपेरिजन विथ इंडियन रुपीज। तो नॉर्थ कोरिया की करेंसी जो है, वहाँ की करेंसी को कन्वर्ट नॉर्थ कोरियन वॉन कहा जाता है, और उसे अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो वहाँ के 50 वॉन की कीमत जो है वो इंडिया के 4.14 रुपये के बराबर है। यानी कि हमारी करेंसी नॉर्थ कोरिया के अपेक्षा स्ट्रॉन्ग करेंसी ऑफकोर्स होगी। तो वहाँ का जो 50 वॉन है वो हमारे 4.14 रुपये का होता है, वहाँ के 100 वॉन 8.28 रुपये के, वैसे 250 वॉन जो है वो 20.70 रुपये के, और 500 वॉन जो है 41.41 रुपये के होते हैं। यानी कि अगर हमें कंपेयर करना हो कि 1 रुपये में कितना वॉन है, तो उसके लिए हम एक दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं, वैलेट एक्सचेंज पर, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि 1 रुपया जो है वहां के 12.07 रुपये के बराबर है, और यह जो है अभी एक्सचेंज रेट जो है 12.07 रुपये का, 12.07 वॉन का, वह अभी 52 मिनट पहले ही अपडेट किया गया है। यानी यह बिल्कुल लेटेस्ट रेट है। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ 18 अप्रैल 2021 को, उस दिन नॉर्थ कोरियन वॉन की कीमत 1 रुपये में 12.07 यानी 12.07 नॉर्थ कोरियन वॉन 1 रुपये में आते हैं। तो मेरे पीछे देख रहे हो आप सुपर मार्केट, जहाँ से मतलब सारा सौदा खरीदा है। अभी क्या क्या खरीदा है वो रूम पे जाके बताऊंगा, और प्राइस भी रूम पे ही बताऊंगा। सुपर मार्केट में बिल्कुल रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। जो आपने रिकॉर्डिंग देखी है मतलब वो बिल्कुल ही मतलब सोच लो कैसे करी होगी। मतलब ये बात मैं सच बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। मतलब लोकल पीपल को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते करते हुए। और मतलब तनिष्क, हमने भाई $20 एक्सचेंज कराया, और खर्च करना कितना मुश्किल हो गया बताओ भाई। पूरे दुकान खरीद के लाए मतलब हम ना, पता है मैंने सोचा कि एक मतलब अल्कोहल की बोतल ले, दारू की बोतल ले लेता हूँ भाई। मैंने पहले 10,000 वॉन वाली उठाई, फिर 20,000 वाली उठाई, पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं भाई। $10 के 80,000 मिले थे, तो मैंने कहा भाई 30,000 वाली लेते हैं। फिर ज़बरदस्ती सिगरेट के पैकेट उठाए 20-25,000 रुपये के, 25 वॉन के, कि मतलब दोस्तों में बांट देंगे। मतलब खत्म नहीं हुए पैसे, अभी भी बच गए मतलब 5-6,000 रुपए। तो यह है नॉर्थ कोरियन करेंसी और इंडियन करेंसी के बीच में कंपैरिजन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये जानकारी अपने दोस्तों के बीच में भी लेकर के आना चाहते हैं तो इस चैनल, इस वीडियो को उनसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।